ये देखो दोस्तों, ट्रकों पे ऐसे माल लोड होके पूरी इंडिया में सप्लाई होता है। ये है गांधीनगर की कपड़े की मार्केट, जो कि एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ से माल पूरी इंडिया में सप्लाई होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेम वाले ब्लॉग में। तो आज मैं आपको फिर से लेके जाऊंगा टोए मशीन में। यहाँ पे हम टोएस को फिल करेंगे उस मशीन के अंदर। तो आपने पिछली वीडियो में जैसे देखा ही होगा, तो आज हम फिर जाएंगे और फिर से उस मशीन में टोएस को फिल करेंगे। तो ये दोस्तों, अपनी बाइक देखो कितनी गंदी हो रखी है, इसे साफ करते हैं। मिट्टी वैसे बहुत उड़ती है यहाँ पर। तो ये देखो दोस्तों, बाइक हमने साफ़ कर ली और इस पर खिलौने बांध भी लिए हैं। तो चलते हैं फिर आगे, आपको दिखाते हैं कैसे खिलौने फिल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके हैं मशीन पर और यहाँ पे डालेंगे खिलौने। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मशीन। ये देखो जी, ये मशीन है और ये हमारे अरविंद जी हैं, और यही है, यही संभालते हैं, मालिक है यहाँ के, पूरा होल्ड है यहाँ पे इनका। फोटो खींचना मना है? क्यों मना है? ये देखो दोस्तों, ये बंधा हुआ है बाइक पे माल, इसको उतारना है अभी। तो यहाँ पे इसको डालते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस भाई ने हमारे देखो 100 रुपये की गाड़ी निकाल ली है और अभी भी निकाल रहा है। और खेला कितने का है ये? 10-20 रुपये में खेला है ज़रा, अभी भी खेल रहा है और अभी भी निकालेगा सारी गाड़ियाँ ये। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने खिलौने फिल कर दिए हैं, तो अब आगे चलते हैं, आगे भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी एक दो मशीनें पर उठ जाना है, वो आपको दिखाते हैं, और साथ में रास्ते में जो भी दिखेगा उसको भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये है मशीन, इसी को ही हम फिल करेंगे। और ये देखो साथ में टेबल देखो यहाँ पे कैसा है, पूरा फोल्डिंग टेबल है। अरे वो क्या तरीके से फोल्ड हो गया ये, तो ये सही है फोल्डिंग। एक बार से बंद करना है, एक बार भाई, ये जिनकी जो जगह कम होती है यहाँ पे, वहाँ पे रखने के लिए बहुत अच्छा टेबल है ये। इजीली कैसा फोल्ड हो गया और बिल्कुल जगह नहीं घिर रहा ये। तो ये देखो, अभी माल इसमें वैसे पूरा है, लेकिन इसे अभी और भी फिल करके इसे पूरा भर देंगे। मशीन ऑन करना एक बार, यहाँ से मशीन इसको हम करते हैं। और ये देखो, मशीन ऑन हो चुकी है और बाकी इसमें खिलौने फिल करते हैं। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी शॉप पर, और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें लगी हुई है, बाहर का सारा काम निपटा लिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी हमारे पास अभी मशीनें रखी हुई हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारी एक आउटर रनर कार रेस की गेम है ये, और उसके बाद ये है हमारी दूसरी टॉय कैचर, जो ही खिलौने पकड़ने वाली मशीन, और साथ में आगे ये देखो एलियन है, अभी बंद करके रखा हुआ है इसको पैक करके। तो दोस्तों, अभी हम एक और जगह पे आए हैं, यहाँ पे अभी फ़ोन आ गया था, तो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे पंजा टूट चुका है मशीन का। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इस पंजा कैसे इसमें टूटा हुआ है। ये वही मशीन है, पहले जो एक बार देखते, इसका पंजा टूट चुका है, पहले भी इसका इसी का ही पंजा टूटा था, वो नीचे गिरा हुआ है। तो इसी को ही अभी लगाते हैं पंजे को इसके, कैसे टूट के देखो नीचे गिरा हुआ है। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से पंजा पूरा जुड़ चुका है इसका, और खिलौने भी इसमें काफ़ी सारे हैं इसमें। तो चलेगी मशीन, तो चलते हैं अपना आगे। तो ये देखो दोस्तों, बाल कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। तो अभी हम आए हैं नाई की दुकान पे, तो यहाँ पे अपने बाल कटवाएंगे। काफ़ी टाइम से सोच रहा था बाल कटवाने के लिए, मगर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, सुबह शाम बस इधर उधर टाइम निकल जाता है। तो अभी आया तो भाई सभी हमारे खाली भी बैठे हुए थे, अभी कोई भी नहीं है। ज़्यादातर वैसे जाओ नाई की दुकान पर तो भीड़ ही लगी रहती है, तो अभी पूरा खाली था, तो मैंने सोचा अभी कटवा ही लेते हैं बाल को। ये देखो दोस्तों, बालों के कट चुके हैं, छोटे हो चुके हैं, काफ़ी जबरदस्त लग रहे हैं बाल छोटे से। अब इसमें दिक्कत नहीं होगी, हेलमेट पहनने में उतारने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बाल सेट रहेंगे हमेशा। तो दोस्तों, अभी हम एक और मशीन पे आए हैं, देखो यहाँ पे किसी ने कॉइन फंसा दिया था, तो इसको कॉइन को टिक करेंगे, क्योंकि बच्चा इसमें कुछ फंसा के चला गया। तो ये देखो दोस्तों, इसमें कितने सारे कॉइन्स एक एक 2-2 रुपये के फंसा रखे हैं, जो अगर आप देख पा रहे हो तो। ये देखो यहाँ पे कॉइन्स फंसे हुए हैं यहाँ पे, तो इसको निकालते हैं, बच्चे कर देते हैं हरकतें कहीं पर, एक एक 2-2 रुपये की कॉइन्स या कुछ भी डाल देते हैं, जिससे मशीन फिर बंद हो जाती है। ये भी काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी, इसको चलाते हैं फिर मशीन को। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मशीन ठीक कर दी है, सिक्का डाल के एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो चालू हो चुकी है मशीन पूरी, और ये ऊपर से पूरी चल भी रही है।
परफेक्ट तरीके से मशीन चल रही है। ये देखो दोस्तों झंडा कितना प्यारा लग रहा है लहराता हुआ। तो दोस्तों अपने ब्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ, देखते रहें गेम वाले ब्लॉग्स।